यूएस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शनल है ठीक है और उस कॉन्ट्रोडिक्टी रूल की वजह से यूएस हिस्ट्री जो है ना वो वर्ल्ड इग्नोर हो जाती है लोगों को पता ही नहीं है कि अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर चीजें क्या हैं ऑल आप लोगों से मैं जब ये पूछ रहा था कि आपका अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर ये किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो इंटरेस्ट होता है क्या वो इंटरेस्ट भी कोई सब्जेक्ट रखने में हेल्पफुल होता है तो बिलीव यू मे सी एस एस के दौरान और भी हिस्ट्री से इंटरक्शन uh, हुआ बट अमेरिकन हिस्ट्री अगर हिस्टोरिकली आप देखें ना इट इज वन ऑफ ऑफ द बेस्ट हिस्ट्री एनी नेशन ठीक है और uh, देखें अभी आप सिर्फ अगर इस चीज की तरफ से देख लेते हैं अभी से अभी थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर कर लेते हैं तो क्योंकि क्यों क्यों हम अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बात करने लगे हैं अब देखे दुनिया में जो भी कंट्री पावरफुल रहा है ओवर द बेस्ट ऑफ टाइम तो क्या उसने ऑक्युपेशन नहीं की जब ग्रीक्स थे तो ग्रीक्स ने ऑक्युप नहीं किया रोमंस ने ऑक्युप नहीं किया जब मुस्लिम्स पावरफुल थे तो मुस्लिम्स ने वो एक डिबेट अलग स्टार्ट कर लेते हैं कि काज पीछे क्या थी लेकिन मुस्लिम ने नहीं किया तो एवरीवन डेट और अभी सच्ची बात यही है कि अभी अमेरिकन के बारे में बात करें तो अमेरिकन ने कॉलोनाइजेशन तो नहीं किए ना न्यू कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किए भले कॉलोनाइजेशन तो नहीं की ठीक है, की है, तो की है. हर कंट्री को स्पेस दिए कि भाई जो बंदा ही अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले करना चाहता है ही और शी कैन शिकले मोटे मोटे कुछ चार पांच चीजें हैं हम मोटाइजेशन में कवर करते हैं उसके बाद आपने अपने किसी भी ऑप्शनल का आ, किसी एकेडमी वाले से पूछ के या किसी सीएसपी से पूछ के अपना भी नहीं लेना ठीक है ना? मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार आपको ठीक है आपने किसी की ओरिएंटेशन ले ली और उसने आपको सब कुछ बता दिया बड़े उसने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए लेकिन इस बात के अंदर क्या जो है ना वो आ, हकीकत है या सदाकत है कि अगले साल ये सब्जेक्ट टारगेट होगा या नहीं होगा क्या पता अगले साल वही सब्जेक्ट टारगेट हो जाए यू नेवर नो तो इसलिए कभी भी इस बेस पे सब्जेक्ट को ना लेंगे कहानी हो जाएगी वजह ये है, है कि आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट टारगेट होने वाला है एन ट्वेंटी आपको पता है कितना स्कोर दिया था लोगों को यूएसएसटी ने 70's में स्कोर दिया था तो खैर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जो ना वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें यूएस हिस्ट्री जो रखनी है या नहीं रखनी ठीक है पहले सवाल की तरफ आते हैं कि वाई यूएस हिस्ट्री ठीक है क्यों रखे यूएस हिस्ट्री तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो जब ट्वेंटी सेंचुरी स्टार्ट होती है ना बच्चा जी आपको वॉइस नहीं आ रही तो ये आपका जाना हुआ इशू होगा अच्छा बच्चा मैं पढ़ाता इस तरह ही कि ये आ, जो हमारा पेज है हम इसको यूज करते हैं एज ए बोर्ड ठीक है और क्लास के एंड पे मैं जाना शेयर भी कर देता हूँ अच्छा वाई यूएस हिस्ट्री तो इसका पहला जवाब तो ये है कि नाइनटीन हंड्रेड के बाद अगर आप यूएस हिस्ट्री को देखते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है ठीक है नाइनटीन हंड्रेड के जो भी मेजर चार पांच इवेंट्स हैं, वर्ल्ड वॉर वन है या वर्ल्ड वॉर टू है या उसके बाद अगर आप देखें तो यूएन की फॉर्मेशन है और रोल ऑफ जो ना वो यूएन है या फिर वॉर ऑन टेररिज्म है या भी, भी जो भी करंट स्नैरियो चल रहे हैं, या फिर जाना वो वुड्स का सिस्टम है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो पीछे जो सारी के सारी ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है, वो है। तो बहुत ज्यादा आपका कोर्स जो है ना वो ओवरलैप होता है और अगर अभी आप पर्टिकुलरली सी एस एस के वाले से बात करें तो आपके जो करंट अफेयर है उसके साथ ही ओवरलैप होता है ठीक है दूसरी बात यह है कि अगर आपका आयार है और अगर आपका आयार नहीं भी है तो एक थ्योरी होती है उसको कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पता है किसी को क्या होती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में वो सिंपली ये कहता है कि हाउ वर्ल्ड वर्क्स आपको पता है मैं अभी आ, ये क्योंकि हमारी ओरिएंटेशन क्लास है और जो है ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो ना शायद प्रोवाइड कर दूंगा आ, ये एक बड़ा रैशनल आर्गूमेंट है कि आप लोग कहेंगे कि सर आपको तो अपने सारे लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड करके आप लोग यूट्यूब पे या इन चीज़ों पे क्यों नहीं दे देते हैं तो इशू ये है कि जाहिर बात है हम पाकिस्तान में हैं ये पाकिस्तान में गई भी हों ना भी हों तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक प्राइवेट जगह पे या प्राइवेट स्पेस में तो आप बोल सकते हैं लेकिन ओपन पब्लिक स्पेस में आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं वह जिस मंटो कहता है ना कि ठीक है बेहयाई तो पूरी दुनिया में है लेकिन उसको जो ना वो बोलने का या लिखने का किसी किसी के अंदर हिम्मत होती है तो जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे हम उनको मजीद इन डेप्थ भी समझाएंगे चीज़ें लेकिन अभी समझने के लिए ये है कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर ये है कि दुनिया चलती कैसे है तो अगर आपका यूएस हिस्ट्री है तो आपको जब आप ग्रेट डिप्रेशन पढ़ते हैं और ग्रेट डिप्रेशन की आप काजेज पढ़ते हैं और ग्रेट डिप्रेशन के आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि यार दुनिया काम किस तरह करती है ठीक है या अगर आप इसी से समझ लेते हैं कि यूएस के अंदर अगर मन्रोडॉक्ट्रीन पास होती है ठीक है तो आपको बेसिक अंडरस्टैंड होगी कि मंड्रोडॉक्ट्रीन का आ, क्या इम्पैक्ट ग्लोबली हुआ और दुनिया जना वो किस काम करती है ठीक है अगेन अगर आप वर्ल्ड वार वन या फिर वर्ल्ड को देखते हैं और इनको आप बड़ा नीटली और क्लीनली देखते हैं कि ठीक है जी उन्नीस सौ चौदह में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई और नाइनटीन थर्टी नाइन में वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हुई ठीक है अभी एक बहुत जो ना जबान पे ऐसे बात आई हुई है लेकिन उस बात को करने के बाद जना पूरी पाकिस्तान में जना मुझे शायद जना वो रहने के काबिल ना दिया जाए तो सोचने की बात ये है कि ऐसी कौन सी बात थी कि यूएस ने जाके 1917 में जाके जॉइन किया ये जब अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी कॉजेस पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है कि हाउ वर्ल्ड वॉर्स और इस तरह 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो यूएस ने कब पार्टिसिपेट किया 1941 में ठीक है तो आपको समझ आती है कि जो ना ठीक है मतलब यूएस हिस्ट्री द वर्ल्ड सिस्टम आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं यू तो पहला आपने क्या कहा कि ओवरलैपिंग uh, है बहुत ज्यादा ठीक है और दूसरा हमने ये कहा कि 1900 के बाद आप आपकी ऑलमोस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री को ये यूएसएसटी कवर करती है और तीसरा हमारा पॉइंट ये था कि ये वर्ल्ड सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है तो जब ये वर्ल्ड सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है तो मोस्टली कह लें कि 90 परसेंट जो भी लोग सीसेस की तैयारी करते हैं उनका या तो आयर होता है और यह जाना वो पोलिकल साइंस होता है ठीक तो तो है, है तो अगर आपका आई आर है तो आपको काफ़ी ज्यादा ओवरलैप करती है यू एस हिस्ट्री नई आर और अगर आपका पोलिकल साइंस है तो अगर आपका टकिंग अबाउट मी जब इस दफ़ा मैं ये बैच पढ़ाऊंगा बिकॉज पिछले बैच में, में मेरी मोस्टली आर्ट क्लासेस होती थी तो बहुत सारे टॉपिक्स को मैं ओवर बर्ड बर्ड आई व्यू होता था दिस टाइम आई टू गो डीप इस टाइम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपको ना हर टॉपिक की जो बेसिक आइडियालॉजी है ना वो समझ आनी चाहिए जो भी कोई इवेंट होता है उसके पीछे क्या काजेज होती हैं और जो ना उसको उसको उसके बाद कौन से इम्पेक्ट होते हैं अगर आपको वो सारे इन डेप्थ पता हो ना तो एटलीस्ट क्वेश्चन को वो जिस तरीके से भी घुमा ले आपके लिए जो ना वो करने में आसानी हो जाएगी तो वेन टॉकिंग अबाउट पोलिटिकल साइंस तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब मैं वही मेरा चौथा पॉइंट है मैं उससे इसको रिलेट करता हूँ वो कहते हैं ना कि आप सब्जेक्ट वो रखें कि आपको पढ़ के मजा तो आए क्या ख्याल है मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सी एस पी को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो टीचिंग करें लेकिन मैं अमेरिकन हिस्ट्री पंजाबी और आई आर क्यूँ पढ़ाता क्योंकि मैंने सिर्फ यूएस हिस्ट्री की इतनी किताबें पढ़ी हैं कि शायद मैंने पूरी सीएसएस के लिए इतनी किताबें नहीं पढ़ी क्यों पढ़ी हैं बिकॉज़ पढ़ के आपको ना वो जो पंजाबी में कहते हैं ना चस आपको ना पढ़ के चस आती है ठीक मतलब, है मतलब हाउ इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट आपको पता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड किन कितना लॉन्ग हो ये बात पता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अगर मैं ये कहूं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस तो मैं गलत नहीं कह रहा देखिए अभी आप कहेंगे सर नहीं 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 सर वो तो मैग्ना कार्टा की आप बात कर रहे होंगे मैग्ना कार्टा जो है ना वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था ये वो ठीक है लेकिन जो प्रॉपर दिस चीज को कहते हैं ना कि प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर हो ये ना हो के सारी इधर हो पांव इधर हो फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा कि भाई ये लेजिस्लेचर होती है फर्स्ट टाइम इनने कहा कि भाई ये एग्जेक्टिव होती है फर्स्ट टाइम इन लोगों ने कहा कि भाई ये जुडिशरी होती है ठीक है आर्टिकल ये पहले वाला इसको डील करेगा आर्टिकल टू इसको डील करेगा आर्टिकल थ्री इसको डील करेगा ठीक है और उसके बाद कहा कि, कि यार ये इस पे चेक रखेगा ये इस पे चेक रखेगा ये इस पे चेक रखेगा ये मतलब वेरी ब्यूटिफुली एलेक्टली और हद ये है हद ये है कि उस दौर में मैं आप लोग भले मेरे साथ सेशन ले ना लें लेकिन एक टेक होम मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि कौमे जो है ना वो बनती किस तरह ये 1776 में उन्होंने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी पता है आपको जीती थी मतलब स्टार्ट की थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है और जो है ना 1781 में अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीत ली थी पता किससे जीती थी किससे जीती थी यूके से इंग्लैंड से ठीक है और हमारी जंग आजादी कब हुई थी 1857 में और हमने क्या किया था हम हार तो ठीक है अख्तलाफा अपनी जगह सब कुछ अपनी जगह लेकिन आप थोड़ा सा थोड़ा सा लिवरेज दे देते हैं। ग्रेज देते हैं हैं लोगों को हाओ यार आप पढ़े ना यार पता तो चले ना कि आप एक निशन है आप बजा दें हाँ दे यू और हम तो ऐसी थोड़ी कॉम है टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगते रहते हैं लगते रहते हैं लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। ठीक है यहाँ पे सब कॉन्टेंट में आके उन्होंने तबाह कर दिया सब कोई टैक्से वहां पे एक टैक्स लगा, लगा, लगा।, लगा था स्टैम्प एक्ट एक टैक्स एक्ट जो यूके ने लगाया था इनके ऊपर यूएस के लोगों के ऊपर उन्होंने कहा हमने नहीं देना ये ये क्या होता है ठीक है और ने पता क्या कहा था उन्होंने कहा था नो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन उन्होंने कहा था कि आप अगर हमें यूके की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे आपकी ऐसी की ते हम आपसे जंग लड़ेंगे तो जो कहते ना ऐसे कॉमें बनती हैं हाँ तो खैर फोर्थ पॉइंट ये था कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ के मजा तो आए ना तो मुझे तो यूएसएसटी पढ़ के हमेशा ही बहुत मजा आता है तो आई होप यू विल आल्सो लव इट टू ठीक है और पांचवी बात है कि इस दफा के लोगों के लिए कि एक ना पाकिस्तानी फैक्टर है यूएस हिस्ट्री में रखने में अब वो पाकिस्तानी फैक्टर क्या है वो पाकिस्तानी फैक्टर ये है कि यूएस हिस्ट्री 2023 में ये बहुत मुश्किल पेपर आ गया मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पेपर आसान था लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत मुश्किल था अभी हम इसके ऊपर भी बात करते हैं तो आ, हम वैसी कौन है कि जो है ना सेम चिकन होता है ठीक है और वो लोग इतना चिकन खरीदते हैं कि उसकी प्राइस जो ना वो इतनी बढ़ जाती है और जो वहीं पे माफिया वगैरह अपना रोल प्ले करते हैं और फिर जब वो सारा चिकन चला जाता है फिर वो जब छोटे बजाय लोग होते हैं जब उनके पास चिकन आता है तो यकदम प्राइस जो ना उधर दिल्ली से नीचे चली जाती है ठीक है अनफॉर्चुनेटली uh, ना सी में भी यही हाल है ठीक है और परेशान ना हुआ करो ठीक है अक्सर लोग मुझे कहते हैं ना सर हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं खराब है हमारी कॉलेज खराब हैं हमारे पार्लियामेंट सही नहीं है और पाकिस्तान टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही तो पता है चीजें कभी भी सोलली नहीं होती ये नहीं होता कि टीम से ही परफॉर्म करी है तो बाकी सारे मामला ठीक होंगे यूनि सही चल रही है तो बाकी नहीं ओवरऑल चीज़ें जो है वो क्या होती हैं खराब होती हैं ठीक है थीके? और अभी सी में भी खराब एक बहुत खराब फैक्टर पता क्या है यूएसएसटी बहुत ज्यादा पेट गया ठीक है लोगों ने एक कह दिया बाय बाय ठीक है अगले साल क्या होंगे अ फ्यू पीपल विल लॉगड ठीक है और जैसे ये अ फ्यू पीपल लॉग इट विल बिकम वो स्कोर अच्छा दे देगा ठीक है जब ये अच्छा स्कोर दे देगा अगेन वो लोग रख लेंगे जब बहुत लोग रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा ये तो हमारे हालात हैं ऐसे ही है तो दिस है? अच्छा, अब एक सवाल जो है कि व्हाई नॉट टू ऑप यूएस हिस्ट्री यूएस हिस्ट्री क्यों नहीं रखनी ठीक है तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जिसका मैं खुद भी अफेक्ट नहीं हूं कि एक तो दो हजार अठारह में यूएस हिस्ट्री बहुत बुरे तरीके से टारगेट हो गई थी ठीक है मतलब कह लें कि फिफ्टी से ज्यादा किसी का स्कोर भी नहीं आया था मैंने भी दो था और मैं भी इसका मतलब मेरे सेवनटीन में जो मैंने फील की थी उसमें तो मेरे 70 में स्कोर था जब मेरी तैयारी कह लें कि होगी कोई फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट ठीक है और जब मेरी तैयारी ऑलमोस्ट टू एसेंट थी ठीक है तो तब मेरा स्कोर कितने में आया फिफ्टीज में टारगेट हो गई यूएस हिस्ट्री ठीक है अच्छा और अभी 2023 का जनरल पेपर बहुत मुश्किल आया तो एक जनरल ट्रेंड ये है कि नहीं नहीं आज ये ऑप नहीं करनी लेकिन आपने स्पेशल सी का भी पेपर देखा है जिस बंदे की 40 से 50 परसेंट भी तैयारी होगी ना यूएस हिस्ट्री की उसका कह लें कि हंड्रेड पेपर हुआ होगा नहीं खैर शाफी महमूद इतना हलवा भी नहीं था आपने मोल वाला बना दिया है बहुत बैलेंस पेपर था बहुत आसान भी नहीं था इट वाज गुड पेपर मतलब जिस बंदे की अच्छी तैयारी थी तो वो वो उसने कर लिया होगा ठीक है और दूसरी वजह ये है कि पेपर्स थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं अभी मैं आपको दो वाला पेपर करवाता हूँ और आप लोग हंसेंगे कि सर ये ऐसे था सीरियसली सर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सवाल बताऊ आप ना दो हजार तेईस का पेपर खोले यूवर्स हिस्ट्री का खोली आप लोगों ने नहीं 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 कोई डिटेल नहीं डिमांड करे दो तेईस का पहला क्वेश्चन क्या था Discuss the role and significance of geopolitical features of North-West Passage. इसकी geopolitical feature importance बतानी थी और Middle Passage की इम्पोर्टेंस बतानी थी अब मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मुश्किल टॉपिक है लेकिन उस बंद के लिए मुश्किल टॉपिक है जिसने बस वो चीजें रटा रटा-रटाई हैं। और कोई अच्छी किताब नहीं पढ़ी और बस ऐसे चीजें क्यों ही है जिस बंदे को सिर्फ ये पता है ना कि मिडिल पैसेज क्या है और नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्या है किसने दो हजार में से किसी को पता है कि मिडिल पैसेज और नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्या होता है चलिए मिडिल पैसेज का तो पता होगा आप लोगों को क्या होता है मिडिल पैसेज क्यों हमारे साथ आए क्योंकि मैप तो इतनी दफा बनवा देना ना कि बस याद आ जाएगा बच्चे मिडिल पैसेज वो रूट था वो रूट था जिससे स्लेव्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे यहाँ पे वेस्ट इंडीज में ठीक है और वेस्ट इंडीज से ऊपर थर्टीन कॉलोनीज में स्लेव्स ट्रांसफर किए जाते थे ठीक है तो अब इसको सिंपल करते हैं कि स्लेव्स का अमेरिकन हिस्ट्री के ऊपर क्या रोल था ये सवाल था आधा और जिस बंदे ने भी यूएस हिस्ट्री पढ़ी है तो क्या ये सवाल मुश्किल है उसके उसने असल में ना पेपर होल्डर है ना ये थोड़ी सी मिस्टेक किया कि यार इतना नहीं पता तो लोगों को लेकिन पता होना चाहिए मुझे ये लगता है कि मिडिल अब नॉर्थ वेस्ट पैसेज क्या है नॉर्थ वेस्ट पैसेज वो पैसेज है जो आपके अटलांटिक को अब देखे ना आप, आप कंसिडर करें ना ये ये दुनिया है ठीक है ऊपर क्या होता है नॉर्थ नीचे क्या होता है साउथ ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आइडली कहाँ बनेगा यहाँ पे बनेगा ठीक है अब इस वाले पार्ट में क्या है इस वाले वाले नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये अमेरिका वगैरह है और ऊपर से अलास्का है और इसके साथ से ये सारा रशिया शुरू हो जाता है ठीक है नॉर्थ वेस्ट पैसेज वो पैसेज है जो असल में अटलांटिक को किससे मिलाता है पैसिफिक से मिलाता है नॉर्थ वेस्ट पैसेज असल में आइडियली वो पैसेज था जो पंद्रहवी सदी में यूरोपियन सोचते थे कि अगर हम ईस्ट जाने की बजाय वेस्ट चले जाएं तो उनको ये नहीं पता था कि दरमियान में इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है तो हम आगे जाके कहाँ पहुंच जाएंगे हम आगे जाके एशिया पहुंच जाएंगे

और अर्ली सेटलमेंट के बारे में पूछा बस उसने मसला ये कर दिया कि उसने क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा घुमा दिया ट्रिकी नहीं था आ, कभी कभी क्वेश्चन होते हैं कि हमें उनका ना वो टर्मिनोलॉजीज नहीं आ रही होती जैसे एक और सवाल को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखें आप सर मुझे भी यही समझ आई थी पेपर में बट आई थॉट सो ही नहीं किया था कोई बात नहीं Temp करना चाहिए था आपको क्वेश्चन नंबर सेवन अब इसमें ना, इसमें अगेन दो टर्मिनोलॉजी पूछ ली हार्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट और लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट अब जिन लोगों को ये पता था कि हार्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट और लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट और या, क्या नाम है आपका जिशान यस वेरी गुड आपने बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ क्वेश्चन मुश्किल था आंसर मुश्किल नहीं था यस ट्रू दैट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल था तो हार्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट एंड लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट ये आपको बहुत आसानी समझ आ जाता है अगर आपको ये समझ आए कि जब अमेरिका बन गया सेवनटीन एटी वन में तो आ, ऐसा नहीं था कि उनका पहले दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया उनके भी तीन कॉन्स्टिट्यूशन बने एक कह लें कि सेवनटीन सेवनटी सिक्स राउंड बना एक सेवनटीन एटी वन के राउंड बना और एक 1770, 1787, 88 में जाके उनका तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना ठीक है अब ये जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनने से पहले एक डिबेट शुरू हुई जिसको कहते हैं फेड वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट डिबेट ठीक है और इस डिबेट से भी पहले एक और डिबेट शुरू हुई थी जिसको कहते हैं वर्जीनिया प्लान और जर्सी प्लान अब जिन लोगों को ये पता होगा कि वर्जीनिया प्लान क्या है न्यू जर्सी प्लान फेडलिस्ट एंटी फेडलिस्ट डिबेट क्या है और इसके अंदर एक जो जरूरी चीज है जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करती है वो यूएस का आर्टिकल वन कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी क्लास एट जो ये कहती है नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट ठीक है पहला आर्टिकल है अबाउट कांग्रेस ठीक है उसकी जो क्लास एट है उसको कहते हैं इलास्टिक क्लास ठीक है उसमें यह है कि कांग्रेस को जो चीजें लगे कि ये जरूरी हैं और ये अप्रोप्रिएट हैं तो कांग्रेस उनके रिगार्डिंग लेजिस्लेचर कर सकती है ठीक है अब इस इलास्टिक क्लास पे ना असल में कॉन्ट्रोडिक्शन थी बिटवीन दीज लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट और बिटवीन दीज हार्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ कि नेशनल बैंक है फॉर इंस्टेंस ठीक है अब नेशनल बैंक उस टाइम जो फेडरलिस्ट की गवर्नमेंट थी उनको लगता था कि यार ये बनना चाहिए ठीक है और वो उसमें इसी क्लास को यूज करना चाहते थे जबकि था कि ये नहीं बनना चाहिए और वो इस क्लास के अगेंस्ट जाना चाहते थे क्योंकि ऐसा प्रोसीजर करना है तो आपको दे आर कार हार्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट अगेन दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन जो ना वो समझने के जो मुश्किल थी ठीक है एक क्वेश्चन तो बहुत ही सीधा सीधा था दैट वाज अबाउट न्यू डील ठीक है अब न्यू डील में इसको स्क्वायर डील भी कहते हैं अगर इसके अंदर आपको ये थ्री आर पता है कौन कौन से थ्री आर हैं पता है आपको डिलीफ रिकवरी एंड रिफॉर्म रिलीफ रिकवरी एंड रिफॉर्म अब रिलीफ में क्या हुआ था कि उन्हें मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दी थी जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन थी फेरा फेडरल एड्मिन्स्र... फेडरल एमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन रिकवरी में कुछ एक्ट्स पास किए जैसे पीडब्ल्यू ए है पब्लिक वर्क एडमिनिस्ट्रेशन अभी खैर बहुत बोरिंग हो जाएगा लेकिन बरल मैं ये बताना चाहता हूं कि ये था ठीक है अच्छा एक चीज मैंने वो अपने लेक्चर्स में कभी भी नहीं पढ़ाई थी जो मैं इस दफा पढ़ाऊंगा वो है अमेरिकन पार्टी सिस्टम क्योंकि उस दफा इसने दो चीजें पूछी एक उसने पूछ लिया कि नेटिविस्ट थॉट क्या थी और दूसरा उसने पूछ लिया कि नेटिविस्ट थॉट ने नो नथिंग पार्टी किस तरह बनाई अब मैंने ये पोलिटिकल पार्टीज का चैप्टर कभी भी कोई खास इसको लिफ्ट नहीं करवाई थी लेकिन इस दफा मेरा प्लान है कि मैं इसको इन करना चाहता हूँ कि थॉट का नो नथिंग पार्टी से जना वो क्या लिंक है तो क्या होती है जी नेटिवेस्ट थार्थ? पता है किसी को नहीं, नेट वो होती है कि जिसमें आप अपनी नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं कि बस सब कुछ हमारा बाकी किसी का कुछ भी नहीं असल में सीन ये हुआ था ना कि इनकी एक दोबारा जंग हुई थी उमर वेरी गुड एंटी एमाइग्रेंट एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ इनकी जंग हुई थी यूके के साथ दोबारा 1812 में ना 1812 में उस जंग के बाद इन लोगों ने इंडस्ट्रियली बहुत ग्रो किया ठीक है जब इंडस्ट्री बहुत ग्रो किया तो बहुत ज्यादा जो है ना वो इमिग्रेशन होना स्टार्ट हुई अब इमीग्रेशन में ना एक मसला होता है मसला ये होता है मिसाल के तौर पे ये एक शहर है वहां पे चार लोग रहते हैं और एक वहां पे इंडस्ट्री है ठीक है ये चार लोग उस इंडस्ट्री में जॉब करते हैं इसकी तनख्वाह भी दस रुपए इसकी तनख्वाह भी दस रुपए है इसकी तनख्वाह भी दस रुपये इसकी भी दस रुपए वहां पे उस मुल्क में एक पांचवा बंदा आ जाता है अब करना तो उसने भी इंडस्ट्री के अंदर काम है तो वहां पे ये जो इंडस्ट्री का मालिक होगा ये इसको क्या सूट करेगा कि ये लोगों को दस दस रुपये दे या उन लोगों को भी हायर कर ले जो पांच रुपए पे मान जाए कर सकते हैं ना तो वो किन लोगों को प्रेफर करेगा जो दस रुपये पे काम कर रहे हैं ये जो पांच रुपये पे मान जाएंगे जो पांच रुपये पे मान जाएंगे जो बंदा बाहर से आएगा उसको तो नौकरी चाहिए होगी ठीक है जहरी बात है उसने जहां से वो आया है वो खुशी से तो नहीं आया उसको कोई कोई ना मसाइल तो होंगे वहां पे, आने में। तो जब वो वहां पे आता है और वो, पांच इसको नौकरी मिलती है, तो वो इस दस रुपए वाले को तो रिप्लेस कर देगा ना ठीक है तो इस दस रुपए वाला जो बंदा है ऑटोमेटिकली इसकी नफरत ये इसकी बायसनेस किसके खिलाफ हो जाएगी मजा आया आपको अभी तो आपको भूलेगा नहीं सर जिंदगी आप सुनते हैं ये नहीं, मिगरेंट्स, मिगरेंट्स। तो ये मसले होते हैं असल में इमिग्रेंट्स के साथ ठीक है और दूसरा इमिग्रेंट्स के साथ मसला पता क्या होता है कि इमिग्रेंट्स बाद में नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और वो बाद में बन जाते हैं सिटीजन ठीक है तो उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज का एक अलग से ही एहसास होता है ठीक है तो जो एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कल्चर होता है ना ये लोग उस एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कल्चर को भी जाना वो क्या करते हैं करते हैं ठीक है तो इस वजह से भी लोग ज्यादा ज्यादा एंटी इमिग्रेंट्स होते हैं तो ये वही दौर था कह लेंगे अठारह सौ पचास का जिस दौर में इमिग्रेशन बहुत ही ज्यादा हो रही थी ठीक है बच्चा मैं ये लेक्चर शेयर कर दूंगा जिसमें बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रही थी तो उस इमिग्रेशन बचने के लिए नोन पार्टी और जाना वजूद में लाई गई थी ठीक है और क्या मुश्किल क्वेश्चन था बाकी जैक्सन का है वो तो इतना मुश्किल नहीं है आपको पता ही होगा और क्वेश्चन नंबर एट तो मेरे ख्याल में कोई मिशनरी डिप्लोमेसी एक चीज पढ़ाने वाली है वो है बॉर्डर रफियंस लेकिन बॉर्डर रफियंस थोड़ा सा इस हिसाब से टेक्निकल है कि मैंने शुरू में कहा ना कि पेपर इतना भी आसान नहीं था मैं ऐसे तुम लोगों को बिला बिला वजह नहीं जाड़े जाऊंगा इट वॉज डिफिकल्ट पेपर ठीक है रियलिटिवली डिफिकल्ट पेपर बॉर्डर रफियंस पता कौन से थे कोई बता सकता है बॉर्डर रफियंस कौन से थे इनाम देते हैं उसको ये बात है एटीन फिफ्टी फोर की अमेरिका की एक टेरिटरी आती है इधर अरे क्या बात है यार सलमान मुझे आप मेरे नंबर पे टेक्स्ट करना आपको इनाम देंगे इनशाला लेकिन नहीं नहीं तुमने तो ये बताया कि 1854 में क्या हुआ था तो नंबर इन तुम्हारा इनाम कैंसिल हो गया मैं बॉर्डर रफियंस का पूछ रहा हूँ आईफोन तुमने भी सही बताया वेरी गुड तुम लोगों को पता तो है तो फिर मुश्किल क्या था पेपर में <coughs> एक यहाँ पे नेब्रास्का एक्ट हुआ था ठीक है उस नेब्रास्का एक्ट में जो कैंस था उसके अंदर वोटिंग होनी थी कि कैंस जो है ना वो फ्री स्टेट होगी या कैंस जो है ना वो स्लेव स्टेट होगी तो जो प्रो स्लेवरी वाले लोग थे असल में मेरे ख्याल में ये अभी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं मैंने शेयर भी करना है तो जो प्रो स्लेवरी वाले लोग थे ठीक है जो प्रो स्लेवरी वाले लोग थे उनको बॉर्डर रफियंस कहते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ब्लीडिंग कैंसर का इवेंट भी हुआ था और वो सब कुछ हुआ था ठीक है और मिशनरी uh, डिप्लोमेसी क्या होती है पता है किसी को या ये तो आसान से टॉपिक है ये तो आप गूगल से मिल ही जाएंगे दे आर नॉट टू बी डिस्कस्ड अच्छा अब ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर सिक्स ये कह लें कि थोड़ा सा आ, मतलब कह लें कि यस इट वाज इम्पॉसिबल करना ठीक है क्योंकि इसको डील करना बहुत मुश्किल था क्यों मुश्किल था वो कहता है कि जो आय लोग थे उनका ठीक है, उनका ट्रेड्स आर विद अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री ठीक है तो इसके लिए पहले जाना आपको आयरा लोगों का जाना वो कल्चरल ट्रेड्स पता हो ठीक है और उन ट्रेड्स के ऊपर जो ना खैर तो यस मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल था पेपर क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत ही लेंथी है और मैं आपको कभी भी ये एडवाइज uh, नहीं करूंगा जो ना आप इन uh, इतनी इन डेप्थ जाए ये जो अर्ली अमेरिकन हैं उनकी लिस्ट uh, में ठीक है इस सवाल को चले मैं कहता हूँ छोड़ दें आप ठीक है और बाकी एक सवाल था एंड्रयू जैक्सन का ये तो बहुत ही आसान था जिन लोगों ने एंड्री जैक्सन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उनको पता होगा आपको पता है कि वॉर ऑफ जो एटीन थी उसका हीरो कौन था पता है किसी को जिन लोगों ने पेपर दिए हैं जिन लोगों के लिए पेपर डिस्कस कर रहा हूं तो उनको थोड़ा सा पता एंड्री जैक्सन ठीक है Jackson, और एंड्रय जैक्सन ने वो जंग लड़ी कहाँ पे थी एंड्रू जैक्न ने वो जंग यहाँ पे फ्लोरिडा के राउंड लड़ी थी ठीक है और फ्लोरिडा के राउंड जब उसने वो जंग लड़ी थी तो इसके अंदर इसने बहुत ज्यादा इंडियंस की अगेंस्ट भी ये जंग लड़ी थी ठीक है तो एक तो ना इसको वैसे ही कुछ जो है ना इसको इंडियंस ठीक है और सेकेंडली वो अपने आप को कहता कहता था कि मैं जी क्या हूं मैं प्रेसिडेंट हूँ कॉमन मैन का ठीक है अब कॉमन मैन का प्रेसिडेंट बनने के लिए इसको मूवमेंट में लोगों को सपोर्ट करना था और वेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट जब भी होती थी उसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता था हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे ये इंडियंस तो सेकंड वजह उसकी जमीन बेचने की ये भी थी के जो ना ये लोग जाके उधर एडजस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे लिए वेस्ट मूवमेंट करना क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी ठीक है तीसरी वजह उसका बीइंग डेमोक्रेटिक था ठीक है अब मैं आपको जब कह रहा हूं ना कि मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा तो मजे की बात बताऊ आपको आपको जो आज पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है ना डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन ये जो डेमोक्रेटिक है ना ये जो आजकल के दौर के डेमोक्रेटिक है ये तो वही चली है आ रही। लेकिन ये जो रिपब्लिकन पार्टी है ना ये इमर्ज हुई विद द ऑफ़ टाइम ठीक है मतलब अगर आपको मोटा सा मैं ओवर भी होती हूँ तो सबसे पहले थे फेडरलिस्ट और फेडरलिस्ट के साथ थे रिपब्लिकन Interesting ना अब ये जो रिपब्लिकन ये वाले रिपब्लिकन नहीं थे ये जेफरसन टाइप जना वो लोग थे ठीक है और मजे की बात ही है, ये है कि बाद में क्या बन गए जाके डेमोक्रेट्स बन गए हसी आ रही होगी आपको है ना लेकिन ये वही बात है कि जब आपको मैं इनशाला कहा ना कि मैं पोलिटिकल पार्टीज भी पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ आए कि, कि ये किस तरह जो ना वो डेमोक्रेट्स बने उन डेमोक्रेट्स बनने की वजह क्या बनी फेडरल पार्टी किस तरह टूटी एंड ऑल दोज थिंग्स तो इसका जो दे, बीइंग डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ प्रेसिडेंट था टू बी कनेक्टेड विद पीपल ये भी जो ना इसकी एक वजह थी ठीक है और सेकंडली सर सुन के भी वॉर पे क्वेश्चन नहीं है सही है ये, सही यार अभी मेरे ख्याल में ये हमारी क्लास जो ना वो बहुत ही वो होती जा रही है टेक्निकल होती जा रही है जी जी वजह ये है कि मैं जो ना अभी आपको आ, हम मैथ की आपको सिखानी हो आ ए प्लस बी और मैं आपको वहां पे फार्मूला लगाने सिखा दूं तो वो बोर हो जाएगा चलिए हम वापस आते हैं ओरिएंटेशन की तरफ ही और जिन लोगों का जितना हो गया होगा वो देख लेंगे कि उनका पेपर किस तरह हुआ था और उसमें क्या क्या गलतियां थी ठीक है ओरिएंटेशन में हम इस दफा जना क्या करना चाह रहे हैं मैं सब क्या करना चाह रहा हूँ बट आई विल डू पहले ये होता था कि मैं बस ना एक सारे सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू देता था जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स का मैं आ, सिर्फ ना बर्ड आई व्यू भी दे देता था के वो हर एक एक टॉपिक की जो ना वो बेस में जाया जाए और उसकी जो आइडियोलॉजी है वो जो ना समझी जाए ठीक है ताकि बाद में समझ तो आए ना कि यार इस तरह करना था ठीक है पहले नंबर ऑफ लेक्चर्स हमारे जो ना वो आठ होते थे ठीक है इस हिसाब उम्मीद है कि 13 या चौदह होंगे ठीक है ताकि नंबर ऑफ टॉपिक्स इतने कवर हो जाएं कि कोई चीज जो है ना वो मिसिंग ना हो ठीक है और जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात आएगी तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन को फिर हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या होती है रिपब्लिकनिज्म क्या होती है बाइकैमरल यूनिकैमरल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स सेनेट चेक एंड बैलेंस पार्लियामेंट्री Form of क्या होती होती है 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 डू ठीक और और साथ साथ में में एक जो मुझे चीज हमेशा लगती कि कि वो ना बुक हमारी बड़ी होती है। और पता भी नहीं होता कि बुक में करना क्या है और कैसे करना है क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है ठीक है तो बुक रीडिंग में ना मैं तुम लोगों को जो भी से सेशन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लें, ठीक है तो ये अनफिनिश्ड नेशन हम साथ साथ पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो ना वो कौन सा चैप्टर कितना पढ़ना है या इस चैप्टर को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और कौन सी चीज जो ना वो कहाँ पढ़नी है और भले जिन लोगों ने वैसा सेशन नहीं भी ज्वाइन करना तो इफ यू आर गोइंग टू टेक दिस यूएस हिस्ट्री तो दिस अनफिनिश्ड नेशन इज द बाइबल ऑफ यूएस हिस्ट्री बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत बहुत डिटेल्ड और बहुत ही जना वो एलेबोरेटेड फॉर्म में सिंपल लिखा हुआ है ठीक है और दूसरी मेरी तुम लोगों को नसीहत ये है कि आपने कोशिश करनी बुक को कभी भी ना आपने पी डी में नहीं पढ़ना ठीक है ना यार बहुत मशहूर किताब है आपको इजीली मिल जाएगी आप कोशिश करें कि अगर आपको पीडीएफ फॉर्म मिल भी जाती है तो जो है ना आप इसका प्रिंट करवा लें ठीक है यार एक लंबे टाइम पीरियड तक मैं बिल्कुल रिकमेंड करता रहा हूँ मौजमदार की और ये वो लेकिन मुझे अभी ये रियलाइज होता है कि जिस तरह का सी एस एस होता जा रहा है ठीक है ना आप इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक पढ़ें ठीक है और वो जो एक आप लोगों का फियर है कि पता नहीं वो मुश्किल लिखा होगा या कुछ है यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होता और बल्कि ये बात मैं आपको बचा हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल ऑथर्स होते हैं उनकी किताबें ज्यादा रिसर्च बेस्ड होती हैं ठीक है थीके? और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ज्यादा सिंपल होती है ठीक है बस मसला आपको ये होगा कि आ, आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि यार ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है तो मुझे कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है तो अगर आप मेरे साथ सेशन लेंगे यूवर्सिटी का तो जहरी बात है मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा लेकिन अगर आप नहीं भी लेते तो आप कोर्स देख लें ठीक है और उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपको समझ आती है चीजों की ना तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएं ठीक है ना और बाकी ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि कभी भी लोकल ऑथर्स की और वो किताबें जो छोड़ दें वो कभी भी आपको इस तरीके से जो ना वो फायदा नहीं देंगे ठीक है सेकेंडली वही हम एक क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में चलेंगे ठीक है हम स्टार्ट करेंगे कैसे हुई क्या हुआ क्या हुआ ठीक है फिर हम आएंगे 1732 पे कि जब 13 कॉलोनीज जो है ना वो पूरी हो गई और फिर हम यहाँ पे आएंगे कि उन 13 कॉलेज ने ऐसा क्या किया कि 1776 में उन्होंने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी ठीक है और वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1800 के बाद एक दोबारा रेवोल्यूशन आया अब आखिरी बात ये आप कहेंगे सर पता नहीं आप जो ना लगता है अमेरिकन से ज्यादा इंप्रेस्ड हैं मैं प्रेस हूँ जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ कि दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ था कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर गवर्नमेंट शिफ्ट हुई थी और थ्रू प्रोसेस ऑफ वोटिंग हुई थी कोई जंग व जदल नहीं हुई थी

जिसको कहता था जेफरसन कहता था कि ये मेरी क्या एक रेवोल्यूशन है ठीक है उसके बाद हम आएंगे वॉर ऑफ और इस दफा मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा जैक्सन के ऊपर ठीक है बिकॉज जैक्सन से वो बार बार जो ना वो क्वेश्चन पूछी जा रहा है तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे ठीक है उसके बाद हम जाएंगे सीधा 1860 के इलेक्शन पे और देखेंगे कि इस इलेक्शन की बेस पे जो सिविल वॉर हुई और उस इस सिविल वॉर से भी जो है ना वो हर दफा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको भी जरा हम डिटेल में देखेंगे सिविल वॉर के बाद एक पीरियड स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन मैंने पहले ये भी कभी डिटेल में नहीं पढ़ाया था

1930s का अब ये ग्रेट डिप्रेशन सिर्फ यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है इट्स रिलेटेड ऑलमोस्ट ग्लोब ठीक है और उसके बाद वर्ल्ड के बाद यूएन आती है और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह यूएस 200 लाइक टू थर्टी ईयर्स में एक वर्ल्ड ना बना और उसके बाद हम थोड़े से करंट अफेयर की तरफ आएंगे और दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू टीच दिस सब्जेक्ट और कोई हमारे मैंने को टॉपिक किए हैं ठीक है ठीके? जिस पे हमारा मेजर कंसर्न रहेगा ठीक है ठीके? और आई एम कि बीस एक क्वेश्चन इन द एंड मैं आप लोगों को बना के दूंगा ठीक है और अगर उसमें भी पेपर ना हल हुआ तो फिर मेरे ख्याल में जो ना मुझे कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि मैं आपसे फीस भी लू या मुझे पढ़ाना भी चाहिए ठीक है सो so, है वो एक नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सो so, आज क्या है ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी जो ना हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक है और क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड में क्योंकि मुझे मोटिवेशन का बहुत शौक है देने का आपको पता है ये ग्रेट डिप्रेशन से पहले अब ये बात थोड़ी सी बड़ी मुश्किल भी है ग्रेट डिप्रेशन से पहले यूएस के अंदर ये गुर्बत वाला कोई कंसेप्ट नहीं था ठीक है वो बिलीव करते थे इकोनॉमिक डाउनिज्म के ऊपर ना इकोनॉमिक ये होती है कि अगर आप गरीब है ना तो ये किसका कसूर है कि ये आपका हाँ अपना कसूर है ठीक है तो ये अफोर्ड ना करना ये बच्चे वाली बातें आप कर, ग्रो करो ग्रो करो मेच्योर हो जाओ ठीक है अच्छा क्लास मेरी बच्चों वही नाइन से ट्वेल्व हुआ करेगी नाइन से ट्वेल्व हमारी क्लास हुआ करेगी ठीक है और आपको आ, एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ठीक है और आपको हर एक दिन पहले जो है ना वो पता चल जाया करेगा कि हमारी अगली क्लास कब है ठीक है और नंबर है जीरो थ्री हंड्रेड वन टू वन टू टू सिक्स फोर ठीक है और एक वही बात है कि सर आप रिकॉर्डिंग जो वो लगा दें अवेलेबल कर दें तो मेरा मसला ये है कि मैं पहले भी और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पहले भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी किस तरीके से हट जाएं बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूँ तो जब तीन घंटे की आपने क्लास पढ़ानी होती है ना तो साइंस कहती है कि फोर्टी फाइव मिनट बाद बोर हो जाते हैं तो तीन घंटे क्लास पढ़ाने के बाद ही पूछता हूँ कि बच्चों आप ठीक हैं आई यू फीलिंग गुड तो कहते हैं जी जी सर तो उस तीन घंटे क्लास में बहुत सारी चीजें आप ऐसी होती हैं कि जो बहुत प्राइवेट होती हैं ठीक है ठीके? आप उनको चाह के भी पब्लिक नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों को लेके जो मेरा रियलिस्टिक ओपिनियन है मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट पब्लिक और फिर आप वो चीजें बताए बगैर आपको ना समझ आती है ना आपको अंडरस्टैंडिंग होती है सो दैट्स व्हाई आई रिस्ट्रिक्ट दिस रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग और बाकी यही एनी क्वेश्चन सो यू कैन मी लेकिन बड़ा रेलिवेंट सा कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछिएगा प्लीज यार जो मेरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो अगर आप उनसे देख लेते हैं तो दैट इज बेटी फाइन ठीक है लेकिन फिर मुझे जो ना कल को ये ना कहिएगा कि सर हमने आपके ऑनलाइन लेक्चर देखे थे तो उसमें से हमारा पेपर नहीं हुआ सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको कह दिया कि बुक सिर्फ एक ही है अनफिनिश्ड नेशन सॉरी टाइमिंग Baki I guess this is enough of uh, this uh, orientation. So we we'll start again soon, inshallah.